आईसीएस अफसरों का हुआ प्रमोशन, मिली 6600 ग्रेड पे की सौगात, कई अधिकारियों को मिली सौगात। पीसीएस राजीव पांडे सहित कई अधिकारी हैं इसमें शामिल। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के 32 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन हुए हैं। आपको बता दें कि उन्हें 6600 ग्रेड पे की सौगात दी गई है, कई अधिकारियों को ये सौगात मिली है, जिसमें पीसीएस राजीव पांडे सहित कई अधिकारी शामिल हैं। पदोन्नति से जुड़ी इस वक्त यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां 32 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन किए गए हैं, जिन्हें 6600 ग्रेड पे की सौगात मिली है, जिसमें कई अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें पीसीएस राजीव पांडे सहित कई अधिकारी शामिल हैं, जिनका प्रमोशन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 32 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन किए गए हैं। आपको बता दें कि कई अधिकारियों को ये सौगात मिली है, जिसमें 6600 ग्रेड पे की सौगात दी गई है। आपको बता दें पीसीएस राजीव पांडे सहित कई अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां 32 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन किए गए हैं, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें पीसीएस राजीव पांडे सहित कई अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं। प्रमोशन के साथ ही 6600 ग्रेड पे की सौगात भी मिली है, कई अधिकारियों को यह सौगात दी गई है, जिसमें पीसीएस राजीव पांडे सहित कई अधिकारी शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां 32 पीसीएस अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं, कई अधिकारी हैं जिनके प्रमोशन किए गए हैं, जिसमें राजीव पांडे पीसीएस सहित कई अधिकारी शामिल हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 32 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन हुए हैं। आपको बता दें कि उन्हें 6600 ग्रेड पे की सौगात दी गई है। वहीं इसी बीच कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लखनऊ में 2 दिन बंद रहेगी मेट्रो सेवा। आज और कल बंद रहेंगी मेट्रो सेवा। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से मेट्रो को बंद कर दिया गया है। सोमवार सुबह 7 बजे से मेट्रो का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू के चलते अब लखनऊ में 2 दिन मेट्रो सेवा को बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त वीकेंड लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से आज और कल मेट्रो सेवा को बंद कर दिया जाएगा। वहीं सोमवार सुबह 7 बजे से मेट्रो का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, वीकेंड कर्फ्यू की वजह से मेट्रो सेवा को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बिल्कुल अनुष्का, ये मेट्रो रेल प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है, जबकि राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के चलते जो तमाम सेवाएं हैं बाजारों की और सड़कों की, उसको पूरी तरीके से बंद कर रखा गया है। लेकिन मेट्रो रेल सेवा जो आम जनमानस के लिए होती है, ऐसे में लोग भी कम निकलते हैं और राजस्व की भी हानि मेट्रो रेल प्रशासन को हो सकती है, इसलिए फैसला कर लिया गया है बैठक में कि वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर मेट्रो रेल सेवा जो है वो बंद रखी जाएगी, यानी कि शनिवार और रविवार पूरी तरीके से मेट्रो रेल सेवा को लखनऊ के अंदर प्रतिबंध किया जाएगा और सोमवार सुबह जब अनलॉक होगा जब वीकेंड, तब उसके बाद सुबह 7 बजे से आम जनमानस के लिए इस मेट्रो सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से मेट्रो सेवा को बंद कर दिया गया है, ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू में और किन किन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके वीकेंड कर्फ्यू में किसी भी सेवा को खुलने का या बहाल करने का जो आज्ञा है वो प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं है। और ये कहा जाएगा, बाजारों में जो सब्जी मंडियां हैं वो जिला प्रशासन की जो ये कहा जाएगा कि जो उन्होंने प्रक्रिया बनाई है उसी के तौर पर खुलेंगी। और आमतौर से जो मेडिकल स्टोर और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अलावा किसी भी तरीके की जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट है, जो मॉल्स हैं, उसको पूरी तरीके से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जो बाहर निकलने वाले लोग हैं वो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े या तो लोग होंगे या तो जिनकी 50% ड्यूरिंग से ज्यादा जो
क्षमता है वही लोग सिर्फ निकल सकेंगे, बाकी पूरी तरीके से किसी भी तरीके को निकलने का जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। अगर कोई भी बिना वजह अगर सड़कों पर निकलेगा, अपने मोहल्लों में घूमेगा, तो उसके खिलाफ लखनऊ पुलिस एक अभियान भी चला रही है इन दो दिनों के अंदर कि अगर बेवजह कोई बाहर निकला तो उसके खिलाफ चलानी की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त लखनऊ से आपको कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दो दिन के लिए मेट्रो सेवा का संचालन बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त वीकेंड लॉकडाउन लागू है, जिसके चलते दो दिन के लिए मेट्रो सेवा को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी बता रहे हैं, जहां लखनऊ में दो दिन के लिए मेट्रो सेवा को बंद कर दिया गया है। आज और कल मेट्रो सेवा बंद की गई है। वही योगा दिवस पर आयुष विभाग करवाएगा योगा डे चैलेंज, बच्चों को पुरस्कार जीतने का मिलेगा मौका। कला प्रतियोगिता और क्विज का किया जाएगा आयोजन, राज्य स्तर पर होगा प्रोग्राम का आयोजन। पहला पुरस्कार 51,000, वहीं दूसरा 21,000 का पुरस्कार घोषित किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां योगा दिवस पर आयुष विभाग योगा डे चैलेंज करवाने जा रहा है, जिसमें बच्चों को पुरस्कार जीतने का भी मौका मिलेगा। वहीं कला प्रतियोगिता और क्विज का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है। पहला पुरस्कार 51,000 का दिया जाएगा, वहीं दूसरा 21,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आयुष विभाग इस योगा दिवस पर योगा डे चैलेंज बनाने जा रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो हेड मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, जिस प्रकार से आगामी योगा दिवस पर योगा डे चैलेंज आयुष विभाग की तरफ से किया जाएगा, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी अनुष्का, आपको बता दूं कि इस बार 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाएगा उसमें आयुष विभाग योगा डे चैलेंज करना जा रहा है। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को पुरस्कार जीतने को मौका मिलेगा। कई तरह की प्रतियोगिता की जाएंगी, क्विज होगी, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको पुरस्कार आदि दिया जाएगा। राज्य स्तर पर कला पुरस्कार की जो घोषणा की गई है वो 51,000 से होगी, दूसरा पुरस्कार 21,000 का और तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपये का होगा। जिला स्तर पर 2100, 1100 और 501 रुपए के पुरस्कार भी होंगे। और इस योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, ये पूरे वृहद रूप में मनाने के आदेश दिए गए हैं आयुष विभाग के। हर बार आयुष विभाग के ही अंडर में ये योग दिवस मनाया जाता है, इस बार को भी इस योग दिवस को वृहद रूप में मनाने की संकल्प लिया गया है। जी अनुष्का। जी मनीष, तो जिस प्रकार से इस बार योगा दिवस मनाया जाएगा, ऐसे में देखा गया है कि कोरोना भी इस वक्त फैला हुआ है, ऐसे में ये आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा? ठीक है, आपको बता दूं कि कोरोना काल है और कोरोना काल की इसमें जो अभी दूसरी लहर गई है उसके बाद प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं। जहां पे अगर आयोजन किए जाएंगे वो खुले स्थान में किए जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों नहीं बुलाया जाएगा, उचित दूरी का पालन किया जाएगा, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। जो बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे उनको वेबिनार के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कराए जाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा ध्यान रखते हुए आयुष विभाग ने पूरे खाचा तैयार रखा है और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। जी धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको आयुष विभाग से जुड़ी बता रहे हैं, जो आगामी योगा दिवस पर योगा डे चैलेंज बनाने जा रहे हैं। वहीं इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आदर्श कारागार विभाग अधिकारियों के लिए बनी पहेली, जेलर के एक पद पर तीन तीन अफसरों की है तैनाती, तीनों में से मुख्य जेलर का ही नहीं है पता। जेलर बीके गौतम, डिप्टी जेलर अजय राय, वीरेंद्र वर्मा है तैनात। वहीं जिला जेल में पांच पदों पर तैनात है केवल एक जेलर। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आदर्श कारागार विभाग अधिकारियों के लिए इस वक्त पहेली बना हुआ है, जहां जेलर के एक पद पर तीन तीन अफसरों की तैनाती हो रखी है। आपको बता दें कि तीनों में प्रमुख जेलर को का उनको पता नहीं है। जेलर बीके गौतम, डिप्टी जेलर अजय राय, वीरेंद्र वर्मा इस पद पर तैनात है। वहीं बाकी जेलों में पांच पदों पर एक ही जेलर तैनात है। वहीं इस पूरे मामले में तमाम जानकारी देने के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है? देखिए, लखनऊ के आदर्श कारागार में एक पद है जेलर का, पर इसमें तीन जेलर तैनात है। जो तीन जेलरों की तैनाती है वो ये कहा जाएगा कि जेल मैनुअल के हिसाब से सही नहीं है, और इसी का जो एक
तो ये कहा जाएगा कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस बात को लेकर के कि जिला कारागार में जो पद है उस पर ज्यादा लोग नहीं है और उसी के बगल में आदर्श कारागार जेल है जहां पर पद एक है लेकिन जेलर तीन है। ये सभी जो तीन जेलर है ये बताया जा रहा है कि इन लोग का वहां पर काम ना होने के चलते आदर्श कारागार में, हालांकि इनकी दो जेलरों की जो ड्यूटी है वो जेल प्रशासन ने यहाँ जिला जेल में लगाई है लेकिन नियमित रूप से ये सही नहीं है, लिहाजा जिन जेलों में जेलर की जो पद है उनमें रिक्त खाली जो पद है उस वहाँ पर जेलों की भर्ती नहीं हो रही है और ऐसे में जहाँ पर एक पद है वहाँ पर तीन जेलर रखे गए हैं। फिलहाल डीजी जेल ने कहा है कि इस तरीके की जो नियमताएं हैं अनियमताएं हैं उस पर रोक लगाई जाएगी और जरूर जेल प्रशासन चूंकि अब स्थानांतरण से जो दौर है वो खुल गया है अब सभी जेलरों को अपने नियमित रूप से जहां पर उनकी ड्यूटीज है वहां शिफ्ट किया जाएगा और किसी भी तरीके का जो ये कहा जाएगा कि मनमाना रवैया है वो जेलों के अंदर नहीं चलेगा क्योंकि जो दो अतिरिक्त जेलर है वो उस वक्त वहां पर आदर्श कारागार में शिफ्ट हुए थे जब वो डिप्टी जेलर थे, लिहाजा इन दोनों का जब प्रमोशन हुआ तब वो जेलर के पद पर आ गए थे लेकिन इन दोनों को अब डीजी जेल के संज्ञान में ये चीजें आई हैं और अब कहा जाएगा कि इन दोनों के जल्दी ट्रांसफर किए जाएंगे। धन्यवाद शिवा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से जुड़ी बता रहे हैं। वही दूसरी बड़ी खबर आपको बताने जा रहा है, कुपोषित बच्चों के लिए चलाया जाएगा अभियान। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाना है। कुपोषण की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वे किया जाएगा, 3 थीम पर यह अभियान चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुपोषित बच्चों के लिए अभियान चलाया जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस अभियान को चलाए जाने की बात कही गई है जिसमें कुपोषण की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। वहीं इस अभियान में 3 थीम होने वाली है। तो कुपोषित बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कुपोषित बच्चों के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस अभियान को आयोजित किया जाएगा जिसमें बेसलाइन सर्वे किया जाएगा कुपोषण वाले बच्चों की पहचान के लिए। वहीं इस अभियान में 3 थीम बनाई जाएंगी। तो नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर रुख करेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी सियासी हलचल, 24 जून को पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। अगले 3 महीनों में तैयार होंगे 1 लाख नए कोविड वॉरियर, 6 कोर्सेज के माध्यम से दी जाएगी युवाओं को सेवा कार्यों की ट्रेनिंग। 51 साल के हुए राहुल गांधी, सेवा दिवस के रूप में अपने नेता का जन्मदिन मना रही है कांग्रेस। 74 दिनों बाद कोरोना एक्टिव मामले सबसे कम, 24 घंटों में 1,647 संक्रमितों की मौत। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, यूपी के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है बारिश। तो चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार रात 11:30 बजे निधन हो गया। वे 51 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड की वजह से निधन हुआ था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया था। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिल्खा को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक शानदार खिलाड़ी खो दिया है। मिल्खा ने असंख्य भारतीयों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। मिल्खा के व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया। उनके निधन से मैं दुखी हूं। बता दें कि 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा वर्तमान पाकिस्तान के एक सिख परिवार में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। खेल और देश से वो बहुत लगाव रखते थे। इस वजह से विभाजन के बाद वह भारत भाग आए और भारतीय सेना में शामिल हो गए।
कुछ वक्त वह सेना में रहे, लेकिन खेल की तरफ झुकाव होने की वजह से उन्होंने क्रॉस कंट्री दौड़ में हिस्सा लिया। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने दौड़ लगाई, मिल्खा छठवें नंबर पर आए। वहीं 1956 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेल में उन्होंने भाग लिया। वह कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आगे की स्पर्धाओं ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 और 400 मीटर में कई उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। इसी साल टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 200 मीटर 400 मीटर की स्पर्धा और राष्ट्रीय मंडल में 400 मीटर की रेस में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते। उनकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, भारत के लिए एक बड़ी क्षति जिसमें मिल्खा सिंह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी क्षति है हम लोग के लिए, न कि पूरे देश के लिए। आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले कोरोना निगेटिव हुए थे मिल्खा सिंह और तबीयत बिगड़ने के बाद चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती किए गए थे। 51 साल के उम्र में जिंदगी की जंग की जो रफ्तार से उसे भागते थे वो कल हार गए हैं मिल्खा सिंह। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ दिन पहले जो उनकी पत्नी थी निर्मला मिल्खा सिंह जो कि 85 वर्ष की थी, उनका भी देहांत हो गया था और आज 5 दिन बाद उनकी भी निधन हो गया है। आपको बता दें कि देश के दमदार धावक और अपनी दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। कोरोना से ठीक हो गए थे, निगेटिव रिपोर्ट आई थी, पर पोस्ट कोरोना की जो दिक्कत होती है उससे जूझ रहे थे मिल्खा सिंह। उनको चंडीगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था जहां कल देर शाम उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि अब जो आगे की प्रक्रिया है उसमें आज शाम 5 बजे उनका चंडीगढ़ के 25 सेक्टर में संतान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले की जनता दर्शन के लिए 3 से 3:30 बजे के बीच समय रखा गया है कि उनके आवास से उनका जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा और आम जनता के लिए उसको दर्शन के लिए रखा जाएगा। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं जहां भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो चुका है। आपको बता दें कि वह पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। वहीं कोरोना से ठीक होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद कल देर रात उनका निधन हो गया। तो चलिए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ जहां 27 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात आएंगे। राष्ट्रपति कानपुर देहात के अपने पैतृक गांव पर परौख और पुरखराया आएंगे। आपको बता दें राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने तैयारियों को और तेज कर दिया है। बता दें कि युद्ध स्तर पर परौख और पुरखराया में सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है। डीएम ने बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम और सीडीओ खुद काम को चेक कर रहे हैं और इलाके की निगरानी भी की जा रही है। इसी के चलते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एसपी केशव कुमार चौधरी और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर परौक और पुखराया कस्बे में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। तो कानपुर देहात में इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं कानपुर देहात, जिसके बाद राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। महामहिम महोदय कानपुर देहात जनपद में 27 तारीख में रहेंगे। उसी क्रम में परौख और पुखराया कस्बे में उनके कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में आज मैं और कप्तान साहब हमारे बड़े अधिकारीगण आए थे भ्रमण करने के लिए, जहाँ जहाँ महामहिम महोदय के कार्यक्रम संभावित हैं प्रस्तावित हैं वहाँ की तैयारियों का आकलन करने के लिए। इसी दृष्टिकोण आपको बड़ी खबर इस वक्त कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां 27 जून को अपने पैतृक गांव पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे कानपुर देहात संवाददाता तस्लीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तस्लीम, 27 जून को राष्ट्रपति का कानपुर देहात में आगमन होना है, ऐसे में प्रशासन की क्या क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, कानपुर देहात के अपने निज निवास से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आने की तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है। यहाँ से लेके जो गरीब से लेके जो वहाँ के गांव के ग्रामीण हैं, उनको हर प्रकार के जो शासन द्वारा चलाई जा रही है जो योजनाएं हैं उनको हर व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही
अन्य जो गांव में साफ सफाई ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कराने में कई दिनों से लगी जुटी हुई है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां 27 जून को अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो चलिए रुख करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां कानपुर में सीएसए के कृषि वैज्ञानिकों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त मल्टीग्रेन दलिया को विकसित किया है। कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मदद से इस दलिये को विकसित किया है। इसके प्रयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी संक्रमण से निपटने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना इस वक्त बहुत आवश्यक है। डॉक्टर एच जी प्रकाश ने बताया कि विकसित की गई मल्टीग्रेन दलिया में 6 भाग गेहूं, 1 भाग ज्वार, 1 भाग बाजरा, 1 भाग मक्का, 1 भाग रागी समेत अन्य पोषक अनाजों को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना के अंतर्गत सीड प्रोडक्शन कंपोनेंट, प्रोटेक्टेड वेजिटेबल कंपोनेंट और हार्वेस्ट प्लस कंपोनेंट कार्यक्रम संचालित हैं। हार्वेस्ट प्लस कंपोनेंट घटक के अंतर्गत गृह विज्ञान संकाय में स्थापित फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में कार्यरत डॉक्टर सीमा सोनकर, डॉक्टर प्राज्ञा, डॉक्टर सुमन के द्वारा मल्टी मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी मिली है। कई बार फर्जी नंबरों के जरिए राजू श्रीवास्तव को कॉल आया। एक वीडियो के जरिए राजू श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी। राजू श्रीवास्तव के प्रमुख सलाहकार को जान से मारने की भी धमकी कई बार मिल चुकी है। तो देखिए राजू श्रीवास्तव ने क्या कुछ जानकारी दी। इन दिनों मुझे पाकिस्तान से धमकियाँ मिल रही हैं, कॉलर मुझे जान से मारने की बात कर रहा है, मेरे परिवार के लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र में मैंने जन्म लिया, हिंदुत्व पर मुझे सदैव गर्व होगा, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम। रायबरेली में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीवर टैंकर के खुले होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस लापरवाही की वजह से सीवर टैंक में एक गाय गिर गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। ये घटना थाना मिल एरिया के अंतर्गत प्रगतिपुरम कॉलोनी की बताई जा रही है। तो रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नगर पालिका किस तरीके से घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि नगर पालिका की इस घोर लापरवाही में देखा गया कि एक उनकी लापरवाही की वजह से एक गाय नाले में गिर गई। आपको बता दें कि लगातार नगर पालिका की टीम से संपर्क भी साधा गया, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आपको बता दें कि सीवर टैंकर को खुले में रखने की वजह से लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीवर टैंकर खोलने की वजह से एक गाय भी इसकी चपेट में आ गई। वहीं इस मामले में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे रायबरेली संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, नगर पालिका की ये घोर लापरवाही देखने को मिली है, ऐसे में सवाल उठता है कि फोन करने के बावजूद भी नगर पालिका मौके पर क्यों नहीं पहुंची? देखिए, नगर पालिका के अधिकारी इस कदर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं। ऐसे कम से कम 50 जगहों पर जहां पर नाले टूटे हुए पड़े हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। ये घटना लखनऊ इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित प्रगतपुरम कॉलोनी की है, जहां पर मोहल्ले वासियों ने कम से कम सैकड़ों फोन किया, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया है। तब जाकर मोहल्ले वालों ने ही अपनी रस्सी और उसके सहारे से गाय को बचाया है। तो जिस प्रकार से ओम शंकर देखा गया है कि नगर पालिका की ऐसी घोर लापरवाही सामने आई है, ऐसे में मामला सामने आने के बाद से नगर पालिका की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है? नगर पालिका के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, इससे मोहल्ले वासियों में कहीं ना कहीं आक्रोश बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पर डे अपने नालियों की सफाई करते हैं, अपने ही हाथों से निजी काम करते हैं, जबकि हाउस टैक्स और सीवर टैक्स उस समय पर जमा करने के बावजूद सुविधाएं नहीं मिल रही है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर पालिका की घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां लापरवाही की वजह से एक गाय इसकी शिकार हो जाती है। तो चलिए रुख करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक नवविवाहिता की मौत हो गई।
इस मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन इस मामले में पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इसी बीच मृतका के पति ने अपने साले को फोन कर उस पर समझौता करने का दबाव बनाया। पैसों को लेकर समझौता ना करने पर उसे गोली मारने की भी धमकी दी गई। धमकी देने का एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ बता, कतरा मांग रहा थी। आ? कतरा क्या है? कसेर कसेर फैसला करेगा, कतरा नहीं। तो नहीं कह रहा थी तो अपनी अखबार में तो डाटी देने कम मन 1.5 लाख रुपए देने थे। हम गूगल पे नहीं कर रहे प्रूफ स्वरूप तो है साई प्रूफ क्या भेज मड्डा है साई प्रूफ क्या तड्डा है तो मैं गूगल पे नहीं कर रहे कहा गूगल पे तो गूगल पे देखा ना स्क्रीन शॉट क्या तड्डा है ना भेजू 45,000 रुपया तुम भी भेज दिया 2,000 रुपया अभी तक डाँच छे मारे तो उसको भेज दो उसका ही है। हाँ तो थोड़ा कम बोलू करो आगे समझे मुझे रुपया चाहे ना रुपया ले फैसला करो करो मत शहरी से ठोक दे ध्यान रखा। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के लोग इस झगड़े में घायल हो गए। घटना को लेकर पुलिस को भी सूचना दी गई। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। घायल इस झगड़े में कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस अभी इस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी है। और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।